नमस्कार, मैं हूं जसवंत कंडेला और आप देख रहे हैं PC24 न्यूज। इस वक्त मौजूद हम खरक गागर गांव में। जैसे कि आपको बता दें कि यहां पर जो है मंदिर के अंदर कुछ शरारती तत्व ने जो है तोड़फोड़ की है और काफ़ी मूर्तियों को खंडित किया गया है और काफ़ी यहां पर नुकसान करके लगभग रात को 1:30 बजे के आसपास की घटना है। और जो गाँव की कमेटी, इस मंदिर की कमेटी है, उन्होंने उसको देख भी लिया। गाँव के कुछ शरारती लोग थे जिन्होंने इसके यहाँ पर तोड़फोड़ की है। क्या क्या तोड़फोड़ की वो भी हम आपको दिखाएंगे और कमेटी जो मेंबर्स हैं उनसे भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको दिखा देते हैं कि तोड़फोड़ कहां पर की गई है और कौन सी मूर्तियों को खंडित किया गया है। तो खरक गागर यहाँ पर पूरी पंचायत आप देख सकते हैं, हम आपको लाइव दिखा रहे हैं यहाँ पर और बात करेंगे। जो मंदिर को खंडित किया गया है, मंदिर के अंदर तोड़फोड़ की गई रात के समय में और वहाँ पर उन लोगों को पहचान भी लिया, लेकिन इसके बावजूद जो है प्रशासन भी ढीला नज़र आ रहा है, तो हम बात करेंगे। सर नमस्कार। सर नमस्कार। तो पूरा मामला क्या था? और सर मैं मंदिर का प्रधान हूँ जी। गांव खरक सुशील कुमार मेरा नाम है जी। गांव खरक गागर में मंदिर है और मंदिर के अंदर एक चबूतरा भी है जी। पिछले कई दिनों से गर्मा गर्मी चली हुई है। वो तोड़फोड़ करने से रात पहले उन्होंने शाम को 9 बजे हमारे को वार्निंग भी दी थी कि हम मंदिर उखाड़ देंगे, मूर्तियां तोड़ देंगे, ये कर देंगे, हाथापाई भी कर दी थी। तो रात को करीबन 1 बजे के आसपास उन्होंने मंदिर में आके, हथियार थे उनके पास, अवैध हथियार भी थे, और उन्होंने मंदिर में तोड़फोड़ कर दी। चबूतरे पे पत्थर उखाड़ दिए, शिव की मूर्ति थी वो तोड़ दी, शिवलिंग था वो तोड़ दिया और माता काली की मूर्ति थी वो तोड़ दी। इसके बाद हमने रात को ही 112 नंबर पर कॉल करके PCR बुला ली थी। पुलिस स्टेशन पिल्लूखेड़ा से भी IO आ गए थे इस्तेवान जी, उन्होंने मौके का मुआयना कर दिया था। जो बंदे पहचान लिए थे वो सामने आ गए थे, उनको उठा लिया था वो, और कुछ अन्य लोग थे जो दूसरी साइड भाग गए थे, वो हमारे पहचान में नहीं आए थे। 22 तारीख शुक्रवार की रात की बात है सर ये, 1:30-2 बजे की, और आज तक किसी भी तरह की उन पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। तो आज पुलिस थाना के अंदर आए हो आप, तो इंचार्ज से भी मिले होंगे, तो उन्होंने किस तरह का आश्वासन दिया? पुलिस थाना में हम बार बार आ चुके हैं, कई बार पंचायत हो चुकी हैं, आज पे कल पे ऐसे टाइम पे टाइम मिल रहा है और ये मंदिर का काम है, धार्मिक भावनाएं भड़काने वाली बात हो रही है, तो ज़्यादा मुद्दा गर्म चला हुआ है। इसके बारे में अभी तक प्रशासन ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। नाम गांव के ही हैं? गांव के ही हैं। एक का नाम बलवान पुत्र सुरता है, एक का प्रताप स्वरूप सुरता है, एक का प्रदीप स्वरूप पालाराम है, एक का विजय स्वरूप खुशीराम है, एक का चरण सिंह स्वरूप जयकरण है और एक सुभाष स्वरूप छोटाराम है। ये तो हमने पहचान लिए। सुरता का जो बलवान और प्रताप, उनके पास तो अवैध हथियार भी थे जी। इनके पास जो प्रदीप है पाला का, उसने मूर्ति तोड़ रखी थी, उसके पास पत्थर भी था, एक हाथ में रूम्बा था, फाड़ी बोलते हैं जिसको, ऐसे ऐसे हथियार थे। एकदम हमने लाइट ऑन करी, ये भाग गए, हम इनकी फ़ोटो वगैरह ले नहीं पाए और इनके पास अवैध हथियार भी थे। हमने अपनी जान माल के चक्कर में कि कहीं हमारे को शूट ना कर दे। लगभग कितने बजे की घटना थी? लगभग रात के 1:30 बजे के आसपास की बात। रात को जी, रात के 1:30 बजे के आसपास की बात। तो प्रशासन द्वारा कोई तसल्ली नहीं हुई अभी तक? सर हमने तभी रात को 112 नंबर पे कॉल करके पुलिस को कंफर्म कर दिया था। PCR आ गई थी, 2-3 गाड़ियाँ, पुलिस ने एक बार तो इनको उठा लिया था, उसके बाद आज तक किसी भी तरह की कोई भी कार्रवाई नहीं हो पाई। तो अभी हमने बात की है, इन्होंने सारी की सारी जो हिस्ट्री वो बताई है और हम उस जगह पर भी पहुँचेंगे जहाँ पर तोड़फोड़ की गई है, जिस मंदिर के अंदर तोड़फोड़ की गई है वहाँ पर भी हम पहुँचेंगे और वहाँ पर आपको पूरी की पूरी जो लोकेशन है, वहाँ की तोड़फोड़ जो की गई है, वहाँ का मुआयना हम करवाएंगे कि किस तरह से